गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड लेसन 7 द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर. इसमें हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो ये चैप्टर है वो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से लिया गया जो कि क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखी गई है. और इसमें जो है लेखक इस चैप्टर में जो इंटरव्यू है साक्षात्कार है उसके बारे में बताता है जो कि एक नई तकनीक है इंटरोगेटिंग की क्वेश्चनिंग की. और उसके बाद वो बात करता है जर्नलिज्म की कि जर्नलिज्म में ये कॉमन है बिल्कुल. उसके बाद वो इसकी इम्पोर्टेंस बताता है टेक्निक की और बताता है कि जो इंटरव्यू है कि वो आज लोगों के जीवन में जो है एक घातक सिद्ध हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंटरव्यू देना नहीं चाहते. इसके पीछे विचार क्या है क्यों नहीं देना चाहते. तो ये पढ़ा था हमने कि जो लेखक है वो हमें इंटरव्यू के मेथड के बारे में बताता है और जर्नलिज्म में कॉमन है. उसकी ओरिजिन डेट 130 साल पहले की है और लोगों के विचार क्या है इंटरव्यू के बारे में. कुछ लोग तो उसको बिल्कुल हाई मानते हैं, कुछ लोग सहन भी नहीं कर सकते साक्षात्कारित होना. और ये चैप्टर हमें ये बताता है कि जो इंटरव्यू है एक लास्टिंग इम्प्रेशन है और स्ट्रॉन्ग श्योर्स ऑफ ट्रुथ है. उसके बाद एक पुरानी कहावत के अनुसार जो है ये इसमें हमने पढ़ा था भी व्हेन वी मेक परसेप्शन अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ देयर सोल इज टेकन अवे. तो प्रिमिटिव कल्चर में क्या होता था, जो पुरानी सभ्यताएं होती थी उनमें अगर हम फोटो खिंचवा लेते हैं बीइंग फोटोग्राफ्ड तो उसको ये माना जाता था कि जो वन पार्ट ऑफ शोल है वो लूज हो चुकी है, ये माना जाता था. उसके बाद हमने पढ़ा था रुडियार्ड किपलिंग की पत्नी ने अपनी डायरी में लिखा है कि दो रिपोर्टर ने बोस्टन में उसको बर्बाद कर दिया था इंटरव्यू के द्वारा. और उसके बाद रुडियार्ड किपलिंग के खुद के जो विचार थे इंटरव्यू के बारे में वो हमला मानता है उसको और पनिशमेंट के लिए कहता है कि इस क्राइम की पनिशमेंट होनी चाहिए. फिर उसके बाद कहता है कि कोई भी आदरणीय व्यक्ति जो है उसको इंटरव्यू नहीं देना चाहिए. तो इस प्रकार से ज़्यादातर जो लोग हैं जो महान हस्तियां हैं इंटरव्यू देते भी हैं लेकिन वो क्रिटिसाइज करते हुए उनको सुना गया है. उसके बाद वी एस नेपोल पे आते हैं. वी एस नेपोल क्या कहता है, वी एस नेपोल जो है वो एक डायस्पोरिक राइटर है. डायस्पोरिक राइटर होता है जिसका ओरिजिन कहीं का हो, बस कहीं पे गया हो. अब डायस्पोरिक राइटर इसको इसलिए कहा जाता है, इसका जो ओरिजिन है इसकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इंडियन है और ये ट्रिनिडैड में रहता है और इसकी जो नेशनैलिटी है वो ब्रिटिश है, इसीलिए इसको डायस्पोरिक राइटर कहा जाता है. तो वी एस नेपोल जो है वो फील्स वो महसूस करता है दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज, कि कुछ लोग जो हैं वो साक्षात्कार से घायल हो जाते हैं एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व, और खुद का एक भाग जो है वो हार जाते हैं या फिर खो देते हैं. लेविस कैरोल द राइटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड. अब एलिस इन वंडरलैंड जो है वो एक फेमस बुक है लेविस कैरोल की, उसका जो लेखक है वो क्या कहता है, वाज सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर. जो साक्षात्कार लेने वाले हैं उनके लिए उसके दिल में जो है आतंक है, आतंकित हो जाता है उनको सोच के वो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं. येट किपलिंग हैड एन अपोजिट व्यू अगेंस्ट इंटरव्यू ऑल्दाउ ही हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड सच एन असोल्ट ऑन मार्क ट्वेन ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर. कि किपलिंग का जो है एक विपरीत विचार है इंटरव्यू के खिलाफ, साक्षात्कार के खिलाफ, फिर भी जो है उसने खुद जो मार्क ट्वेन है वो मार्क ट्वेन एक अमेरिकन राइटर हैं, वो भी एक बहुत फेमस राइटर हैं. कुछ ही वर्षों पहले जो है, वैसे तो किपलिंग जो है वो इंटरव्यू को असोल्ट बताते हैं, हमला बताते हैं,
लेकिन वही हमला जो है मार्क ट्वेन पे उन्होंने कुछ ही साल पहले जो है किया था, एक अपोजिट व्यू रखते हुए भी, ये बात कह रहा है लेखक यहाँ पे। एच जी वेल भी जो है वो बहुत फेमस राइटर हैं, टाइम मशीन जो है एक इनका बहुत फेमस वर्क है। तो इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ओरडियल। तो जो एच जी वेल हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक साक्षात्कार में 1894 में जो है इंटरव्यू के संदर्भ में कहा था कि जो इंटरव्यूइंग होता है, जो साक्षात्कारित होना है, वो क्या है, ओरडियल है। बट वाज ए फेयरली फ्रिक्वेंट इंटरव्यूई, लेकिन वो खुद जो है इंटरव्यू देने वाले जो है रहे हैं, इंटरव्यू दिए हैं उन्होंने काफ़ी। एंड 40 ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ जोसेफ स्टालिन, और जो खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू जो है उन्होंने लिया था। जोसेफ स्टालिन जो है वो डिक्टेटरशिप में माने जाते हैं इनको, एक मुसोलिनी थे, एक जोसेफ स्टालिन थे और एक रुडोल्फ हिटलर थे, ये तीन थे जर्मनी के, इटली के और एक शायद रशिया, स्टालिन को शायद रशिया में माना जाता है, सोवियत रूस में। तो ये तीन जो है वो डिक्टेटर थे, और उस डिक्टेटर का जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू जो है एच जी वेल ने एक बार लिया था। सोल बेलो ये भी एक राइटर हैं, हु हैज़ कंजेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स। सोल बेलो जो कि बहुत सारे अवसरों पर साक्षात्कारित होने के लिए सहमति जता चुके हैं। वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू, एक बार इन्होंने इंटरव्यू को कहा था एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, कि जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बारे में या इंटरव्यू को एक बार उन्होंने डिस्क्राइब किया था, इंटरव्यू का वर्णन किया था कि इंटरव्यू कैसा है, इंटरव्यू एक ऐसी चीज है जैसे कि एक जो विंड पाइप होती है, विंड पाइप क्या होती है, जो श्वसन नली है हमारी जिससे हम सांस लेते हैं, जो श्वसन नली है उसके ऊपर जैसे किसी ने अंगूठा रख दिया हो, मतलब कि सांस ही ना आए। तो इस तरह की चीज जो है वो एक इंटरव्यू है। उसके बाद ये डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू के इतने ड्रॉबैक्स होने के कारण, ड्रॉबैक्स क्या होता है, अवगुण कह सकते हैं, कि इतने अवगुण होने के बावजूद भी इट इज ए सुप्रीम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यह एक कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेशन संपर्क कह सकते हैं, बातचीत कह सकते हैं, बातचीत का एक बहुत बड़ा माध्यम है। एंड स्ट्रॉन्ग श्योर्स ऑफ ट्रूथ, और स्ट्रॉन्ग श्योर्स ऑफ ट्रूथ भी है, बहुत ही कठोर स्रोत है सत्य का, सत्य के बारे में हमें पता चलता है, और जो फेमस पर्सनैलिटीज होती हैं उनके लाइफ के बारे में भी हमें बहुत सारा इंटरव्यू से ही पता चलता है। तो ये लेसन का जो है फर्स्ट पार्ट था, जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू लेसन का जो फर्स्ट पार्ट है ये यहाँ पे कवर होता है हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे जो सेकंड पार्ट है लेसन का, जिसमें जो उम्बेर्टो इको नाम के राइटर हैं उनका इंटरव्यू लिया गया है मुकुंद पद्मनाभन के द्वारा, वो उस इंटरव्यू में क्या बातचीत करते हैं ये चीज़ पढ़ेंगे हम उसमें।